आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो यात्रा डट टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ भारतबाट आउनुभएका एफआईआई का प्रबन्ध निर्देशक एवं एफआईआई का डेलिगेसन टिमको प्रमुख दीपक जैन। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओ, भारत का कल्चर का विषय में थोड़ा हमारा चैनल से सारा नेपाली और भारत का लोगों का दर्शकों का जो जो आपको अरुणी को हमारा चैनल से देख रहे हैं उनको प्रष्ट रूप में जानकारी कर दीजिए। हम लोग यहाँ 20 तारीख से नेपाल में हैं। नेपाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भारत की कल्चर में कोई अंतर नहीं है। आपको लगता है नेपाल और भारत के कल्चर सेम जैसा है? मैं यहाँ जब आया हूँ, यहाँ भी मुझे लोग जय श्री राम बोलते हैं, शिव जी की उपासना भारत में करते हैं और पशुपतिनाथ का आशीर्वाद तो नेपाल के ऊपर सदा सर्वदा से है, और भगवान राम की पूजा हम भारत में करते हैं, राम जी की ससुराल तो नेपाल में ही है, तो इसको अलग अलग दृष्टि से तो हम देख नहीं सकते। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग राज्य अवश्य बने हुए हैं, लेकिन आपस में सांस्कृतिक संबंध हमारे दोनों देशों के इतने मधुर हैं, इतने प्रगाढ़ हैं कि उनको सम दृष्टि से ही देखा जाएगा। यहाँ देखें, मैं यहाँ निकलता हूँ चौराहों से तो राम राम लिखे हुए मंदिर दिखते हैं, यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर दिखते हैं, तो मैं अलग कौन सी परिभाषा देखूं, मुझे समझ में नहीं आता। एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोनों देशों की है और प्रधानतः हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी है, नेपाल में भी है, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आज के दिन में हम आर्थिक दृष्टिकोण देखते हैं, लेकिन प्रधानतः हमको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच में संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत करना चाहिए। दीपक जी, ये एफआईआई किस प्रकार का संस्था है और नेपाल में आप किस प्रकार का विजन लेकर आए हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी एफआईआई एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा 40 से अधिक देशों में, प्रिसाइजली कहें तो 42 देशों के अंदर आज के दिन में हमारे अपने चैप्टर्स हैं, और जहाँ जहाँ भी इंडियन डायस्पोरा है, एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, ओसीआईज हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग हैं वहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री काम करता है ताकि उन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को हम और अधिक सुदृढ़ करें, प्रगाढ़ करें, और जो हमारी इंडियन डायस्पोरा उन देशों के अंदर है उसको थोड़ा सा एनर्जाइज करके हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, इस आशय के साथ हम विश्व के 42 देशों के अंदर काम करते हैं। पिछले 2 साल का कोरोना पीरियड के अंदर काफ़ी उथल पुथल हुआ सब देशों में, तो अभी खुला है तो भारत से बाहर निकल के हमने नेपाल में पहला कदम रखा है कि नेपाल के साथ जो संबंध हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, इस नाते से हम नेपाल में आए हैं। नेपाल के साथ संबंध मजबूत करने का एक और भी कारण है, नेपाल एक उभरती हुई अर्थशक्ति है और वो उसका प्रमाण ये भी है कि यहाँ के, चाहे हम हाइड्रो सेक्टर को लें, चाहे हम सीमेंट सेक्टर को लें, चाहे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लें, बहुत अधिक उसके अंदर व्यापारिक संभावनाएं हैं। अभी जो है वो भी अच्छी हैं, आने वाले समय में ग्लोबल दृष्टिकोण से और अधिक संभावनाएं हैं। यानी मैं यहाँ, मुझे बताया हमारी टीम ने कि
जितनी कारें बिकती हैं उससे ज्यादा जेसीबी, पोकलेन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, डंपर्स वो बिक रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और उसके अंदर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो FII नेचुरली इसमें यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहेगा बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बाय वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसको सपोर्ट करना चाहेंगे, उस नाते से हमारा नेपाल में आना हुआ है। आफ्नो ये उपस्थिति का होइन साथीहरू उपस्थिति का क्या क्या विशेष फाइदा नेपालकै अर्थ जगतको पहुँचन सकते है कैसे तरिके से? हमारा काम करने की एक विशिष्ट शैली है, दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करते हैं। दूसरा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर नेचुरल तरीके से आए उसके लिए यहाँ के वातावरण को सुदृढ़ करना, जिसको बोलते इकोसिस्टम को स्ट्रांग करना, और उसमें भी सरकारों से सहकार करके, सहयोग करके वो इकोसिस्टम किस तरह से स्ट्रांग बन सके, उसमें पॉलिसी इनिशिएटिव्स में क्या कर सके, और यहाँ के इकोसिस्टम में हम बदलाव पॉजिटिव दृष्टिकोण से कैसे ला सकें, और जो इन्वेस्टर है उसके एंगल से और जो एंटरप्रेन्योर है उसके एंगल से हम यहाँ पर सहयोग करके उस वातावरण को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो लंबे समय तक यहाँ पर बने रहें, ना सिर्फ बने रहें बल्कि और इन्वेस्टमेंट्स को भी लेकर के आए, चैनलाइज करें। क्योंकि एक इन्वेस्टर अगर रिपीट होता है तो वो दो या तीन इन्वेस्टमेंट्स और लेके आता है, एक इन्वेस्टर अगर नाराज होता है कम से कम पांच पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को वो भगा देता है। तो उस एंगल से हम नेपाल के साथ सहयोग करने की भावना से यहाँ पर आए हैं। भारत और नेपाल एक प्राकृतिक साथी है जिन रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, इसके आगे बढ़ाने में FII कैसे भूमिका निभाना चाहता है? देखिए, परिवार के अंदर जो लोग मैंने आपस में परिवार के नाते से रहते हैं उनका खून का रिश्ता होता है, रिश्तेदारों में नए संबंध बनते हैं, रोटी बेटी के संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन भारत के साथ, नेपाल के साथ जो संबंध है दोनों राष्ट्रों के बीच में रोटी बेटी से कहीं अधिक, यानी हमारे जितने पूजनीय भगवान हैं दोनों राष्ट्र, उनकी कर्म भूमि तपोभूमि रही है। तो हम रोटी बेटी से अधिक पहले उसको मान देते हैं कि हमारे पूजनीय भगवानों की कर्म भूमि और तपोभूमि दोनों देशों की धरती रही है, और उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जब उसमें व्यापारिक संबंध भी शामिल होते हैं तो वो दोस्ती और ज्यादा पक्की होती है। तो इस नाते से FII यहाँ पर यहाँ के लोगों को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, भारत में आपका भी स्वागत है इन्वेस्टमेंट के एंगल से, और भारत के लोगों को निमंत्रण देते हैं जिन लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा है वो नेपाल के पॉजिटिव वातावरण का लाभ उठा करके यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस नाते से FII रोटी बेटी से कहीं अधिक बढ़ कर के उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है, यानी एक तरह से ये समझिए जैसे अम्बे हंसने वाली बात करता हूँ, जैसे पति पत्नी का संबंध है वैसे ही संबंध, यानी कभी कभी हम देखते हैं सुनते हैं कि कोई तल्खी भी आ गई संबंधों के बीच में, लेकिन वो फिर से एक हो जाते हैं। तो ऐसा ही भारत नेपाल के संबंध है। नेपाल भारत राजनीति में अक्सर भारतीय हस्तक्षेप की बात होती है, क्या ऐसे महासंघ पर्दे के पीछे से राजनीतिक प्रभाव लाने का
प्रयत्न करता है, आपको क्या लगता है? दोनों देशों के राजनीतिज्ञ लोग बहुत सुलझे हुए हैं और अपने अपने देश के संबंधों का वो प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोग काम करते हैं वे बेहद सुलझे हुए लोग हैं, उनको कोई आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसी तरह भारत में जो लोग हैं वो भी सुलझे हुए लोग हैं, वो ना तो खुद इन्फ्लुएंस होना चाहेंगे ना किसी को करना चाहेंगे। तो दोनों देश अपने पैरों पर खड़े हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का सोचते भी नहीं ना सोचना चाहिए। FII का दृष्टिकोण केवल आर्थिक दृष्टिकोण है और आर्थिक दृष्टिकोण के नाते जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, उसमें अगर कहीं हमें दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है तो हम राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठ करके उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से इसमें कहीं पर भी इंटरफेरेंस की ना तो बात है ना भावना है, और मुझे नहीं लगता कि ये डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं दोनों, एक दूसरे को इंटरफेरेंस को ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही स्वीकार करना चाहिए किसी को, ऐसा मेरा मानना है। भारत की तरफ से नेपाल में चीनिया प्रभाव को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है, आपको क्या लगता है? भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है मजबूत हुई है। नेपाल की राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाए है नेपाल ने, नेपाल की डेमोक्रेसी भी हिचकोले खाते हुए मजबूती की तरफ चल रही है। तो नेपालीज लीडरशिप को देखना होगा कि नेपाल स्वतंत्र रूप से कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच आउट करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो नेपालीज लीडरशिप को देखने का काम है। और मुझे नहीं लगता कि नेपालीज लीडरशिप किसी अन्य देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करती है और ना ही करना चाहिए नेपालीज लीडरशिप को। किसी किसी एरिया में हो सकता है भारत को ऐसा लगे कि टिल्ट है, लेकिन नेपाल अपने हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम है, उसके किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। FII 40 से अधिक राष्ट्रों में है और आप अपने अधिकतम उपस्थिति का क्या करके विशेष फायदा नेपाल के अर्थ जगत को पहुंच सकता है? हम पिछले 5 दिनों में यहाँ के जो भारतीय मूल के उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज चलाने वाले हैं, उन सब लोगों से मिले हैं, फिर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से भी मिले हैं, यहाँ के अर्थमंत्री से भी मिले हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रभाकर साहब, देन आले साहब जो यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर जनार्दन सर, हाँ तो उनसे भी मिले हैं, और इन सब लोगों से मिलके एक चीज तो बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि यहाँ की लीडरशिप देश को आगे बढ़ाना चाहती है। ग्रोथ वो अब नया मूल मंत्र है, विकास नया मूल मंत्र है। पहले राजनीति के सहारे काम चलते रहते थे, 25-25, 30-30 साल सरकारें राजनीति करके चलती रहती थी, लेकिन आज के दिन में जब से डिजिटल चेंजेस आए हैं और कम्युनिकेशन में बदलाव आया है, आम आदमी जब से अवेयर हुआ है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये ही दो मूल मंत्र हैं जिनके सहारे सब देश अब मोर लेस चलेंगे। तो यहाँ की लीडरशिप में भी हमें लगा है कि वो ग्रोथ की तरफ, देश को आगे ले जाने की तरफ बहुत सजग है, और जिस तरह से आपकी सोच है यहाँ की लीडरशिप की, वो देश को यानी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके फोरफ्रंट में लाएंगे जल्दी से जल्दी।
और नेपाल की इकोनॉमी की ग्रोथ काफी अच्छी है इस मामले में, जो जिस तरह से यहाँ के रीजनल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और ग्लोबल एरिना में भी नेपालीज यूथ अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस भी दृष्टि से कर सकें, तो उसमें मैंने संभावनाएं भी बहुत हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट है सबका कि नेपाल को आगे ले करके जाना है। यहाँ चाहे कोएलिशन की सरकार हो, लेकिन सबके मन में भावना यही लगती है कि नेपाल को आगे ले करके जाना है। ओ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का नेपाल सरकार विभिन्न यहाँ का संघ संस्था आप जिन से जो जो से मिले चुके हैं उनका फीडबैक क्या क्या पाया आपने? मैंने अभी आपसे जो जिक्र किया है, जैसे अभी विस्तार से हमारी बातचीत इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल से हुई है, उन्होंने भविष्य की सारी योजनाएं और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाने के लिए यहाँ पर सुविधाओं का जाल बिछाया है, और एंटरप्रेन्योर्स को लाने के लिए एक तो सुविधाओं का जाल बिछाया उन्होंने, उसको मैच करता हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, पावर सेक्टर में कंसेशंस, टैक्स इंसेंटिव्स, और फिर एसईजेड्स की बात वो करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैच 2-4-5 साल का हो जाए, यानी डेवलपमेंट आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बाद में बने, लेकिन जो हमको जैसा ब्लूप्रिंट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दिखाया है उसके जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया। लगभग 1.5 घंटा हमारी बातचीत चली है, हमने भी जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उनसे जिक्र किया, उन्होंने बड़े खुले मन से उनका स्वागत किया है। ये नहीं कि हम कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रमोट करें जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट हो, जब तक आसपास के क्षेत्र में बदलाव नहीं आए उस विकास के कारण से, तो विकास बेमायने है। वो सिर्फ एक आदमी का विकास है, फैक्ट्री वाले का विकास है, वो क्षेत्र का विकास नहीं है। तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, और जो इनिशिएटिव्स FII ले रहा है नेपाल के लिए वो इंक्लूसिव ग्रोथ वाले इनिशिएटिव्स हैं, और यहाँ के वातावरण में इकोसिस्टम में पूरी तरह से बदलाव उन इनिशिएटिव्स के कारण से आएगा। जैसे हम यहाँ बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स की, तो हम साथ ही साथ बात करते हैं कि वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क में हॉस्पिटल भी कैसे बने आसपास की जनता का, जिससे उसका हेल्थ के अंदर विकास हो सके। हम बात करते हैं उसके आसपास एयरपोर्ट भी डेवलप हो ताकि एंटरप्रेन्योर्स बाहर से ठीक से आ सकें। तो जो प्रमुख तौर से हमने यहाँ पर बातचीत रखी है कि यहाँ के सीमेंट सेक्टर को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ओ आपका स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या राय है? मैं सभी क्षेत्रों का बता देता हूँ आपका। जैसे हम यहाँ के सीमेंट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो सीमेंट प्लांट्स यहाँ ऑलरेडी लग चुके हैं उन प्लांट्स के लिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट हम खोलना चाहते हैं। देन यहाँ पर जो हाइड्रो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आई हुई हैं उन प्लांट्स की ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए हम चाहते हैं अभी यहाँ पर उसका स्किलिंग का इंस्टीट्यूट डेवलप हो। फिर हम IT सेक्टर के इंजीनियर्स तैयार करने के लिए यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी चाहेंगे, इंस्टीट्यूट्स खोलें ताकि मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से या IT सेक्टर में यहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, क्योंकि इंजीनियर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फिर हम चाहते हैं यहाँ पर यहाँ के हेल्थ सेक्टर को सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ के कॉरपोरेट चेन्स जो हैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लाएं नेपाल में, कम से कम 3 या 4 बड़े अस्पताल खोले जाएं। फिर कैंसर केयर के लिए एक बड़ा अस्पताल यहाँ के कैंसर ट्रीटमेंट सर्विसेज को ऑगमेंट करने के लिए कैंसर के लिए बड़ा अस्पताल यहाँ पर लाया जाए। तो ये सब हम करना चाह रहे हैं, और इसके साथ ही हम ये चाहेंगे
कि यहाँ का जो एक मेजर सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ का यूथ प्रॉपरली स्किल हो जाए होटल मैनेजमेंट के अंदर, फूड मैनेजमेंट के अंदर, केटरिंग के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, ट्रैवल ट्रेड के अंदर, एयरलाइंस के ट्रेड के अंदर, ये सब स्किलिंग उसके यहाँ के यूथ की हो जाए, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है उसको एक पॉजिटिव वाइब्स इस देश में आकर के मिले। कोई भी आदमी एयरपोर्ट पे जब उतरता है, वहाँ का सबसे पहला व्यक्ति जो उसके संपर्क में आता है वो उस देश का इमिग्रेशन ऑफिसर है। वो पहला ऑफिसर उसके संपर्क में आएगा, उसको अगर स्माइल करने की ट्रेनिंग होगी तो उसको लगेगा मैं अच्छे देश में आया हूं। दिस इज वेयर वी वुड लाइक टू ट्रेन पीपल। सरकारी अधिकारी हैं, इमिग्रेशन के लोग भी हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं किसका वीजा पास करना है, किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा खुशबू डालने की जरूरत है, हाउ टू सर्व विजिटर्स स्माइलिंगली। वो स्माइल करते हुए तो आपको रास्ते में कितनी भी दिक्कत आई है, जब पहला आदमी आपको स्माइल करता हुआ मिलता है, दूसरा फिर आप बाहर निकलते हैं आपको टैक्सी वाला मिलता है, वो टैक्सी वाला आपसे कैसे बिहेव करता है उसको हम ट्रेन करना चाहेंगे। आपका होटल पहुंचे, आपका डोरमैन कैसा है, वो आपसे प्रॉपरली विश करता है, ग्रीट करता है, आपको कैसे वेलकम करता है, ये उससे मालूम होगा, उससे मालूम चलता है कि वो देश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है या नहीं है। हम चाहेंगे नेपाल में जो प्रयास अभी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन प्रयासों को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए इजिप्ट की बात आपको बताता हूँ। इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि हमारी इकोनॉमी विदेशी टूरिस्टों के सहारे चलती है। विदेशी टूरिस्ट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्राइवर बीए पास है या एमए पास है, उसको हाँ जरूर फर्क पड़ता है कि वो आपका मुस्कुरा के स्वागत करता है या नहीं। तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर दिया कि हमारे यूथ को 10वीं क्लास के बाद आप सॉफ्ट स्किल्स बताओ कि कैसे ग्रीट करना है, कैसे लोगों को वेलकम करना है। अब 10वीं के बाद आप गाइड की दिशा में आगे जाएंगे, टूरिस्ट ऑपरेटर की दिशा में आगे जाएंगे, या आप कोई होटल खोलेंगे या रेस्टोरेंट खोलेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन उसको सॉफ्ट स्किल्स एक बार आ जाए कल्चर के, मैनर के, तो वो सारे जीवन उसके साथ रहेंगे। तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला। ग्लोबल टेंडर में भारत की दो कंपनी क्वालिफाई हुई, तो आई थिंक विप्रो वाज वन ऑफ देम। उन्होंने इजिप्ट में जाकर के वहां के यूथ को स्किलिंग किया। तो हम चाहेंगे कि नेपाल ऑफ लेट भले ही उद्यम प्रधान देश में जाने वाला हो, लेकिन इसेंशियली लोग नेपाल की सुंदरता को देखने आते हैं और नेपाल को जो रेवेन्यू लगता है नेपाल बहुत सुंदर है। हाँ, नेपाल का जो यहाँ का लोगों से मिलने के बाद मैं उसके ऊपर आता हूँ। नेपाल का जो रेवेन्यू है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से प्रधान बना रहना चाहिए, क्योंकि वो सुंदरता कहीं जाएगी नहीं। इंडस्ट्री आज है कल को नहीं है, लेकिन देश की सुंदरता तो वही है। yes. देश के तीर्थ स्थान तो वही है। तो नेपाल के लोगों की अच्छे से वहां हम चाहेंगे कि स्किलिंग यहाँ के यूथ की हो। हम जब से यहाँ से आए हैं तो हर जगह नेपाली संस्कृति की छाप हमको देखने को मिलती है। किसी स्थान पर होटल में एंट्री कर रहे हो तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करने का तरीका बहुत हमको अच्छा लगता है। तो यानी वो संस्कृति की मिठास जो है यहाँ के जीवन में है, वो नेपाल का कल्चर, वो संस्कृति। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है
कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वो सांस्कृतिक मिठास नहीं है, नेपाल में आए तो वो सांस्कृतिक मिठास है। और जो अच्छी चीज हमको देखने को लगी, जो लोग व्यापार में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दिन में गाली गलौज भी करते हैं, शाम को एक साथ 6 बजे के बाद टेबल पे इकट्ठे बैठते हैं, आपस की दोस्ती ठीक से सेलिब्रेट करते हैं, जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, 6 बजे के बाद व्यापार नहीं करते। तो ये एक जो गुण है आपस में मिल बैठ करके, और यानी जो कड़वाहट भुलाने का गुण है, ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। मैंने फिर देखी, आप फैमिली से आए हैं, FII का टीम से आपका फैमिली भी है आपके साथ, वो नेपाल और भारत के फैमिली रिलेशन भी एक जैसा है मुझे लगता है। तो वो पारिवारिक संस्कार तो वो हमारे जीन्स में है, और कहीं अगर साइंटिस्ट लोग एग्जामिन करें तो कोई बड़ी बात नहीं, भारत के लोगों का डीएनए नेपाल के लोगों का डीएनए एक जैसा निकलेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ आपसे समझना पाई। दर्शक के मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। अंतिम में क्या बोलना चाहती है आपको दर्शक? मैं रोजी जी को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे से बात करके, और हमारी बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से नेपाल की जनता के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में पहुँचाने का काम किया। शायद हम लोग अगर ऐसे भी बात अपनी पहुँचाना चाहें तो टीवी एक बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसके कारण से हमारी बात सब लोगों तक पहुँच रही है। इसके लिए रोजी जी का और आपके टीवी चैनल का बहुत हृदय से धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि हमारा विजिट और हमारा डायलॉग नेपाल के लोगों से बना रहेगा, बल्कि और प्रगाढ़ होगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर से आपका नमस्कार। धन्यवाद आपके।